गाड़ी से बाहर निकल वरना गोली मार दूंगा। गोली मत चलाना, तुम्हें जो चाहिए मैं दे रहा हूँ, गोली मत चलाना। लो ये सब रख लो। बस मुझे पैसे चाहिए। पीछे हट, पीछे हट। अरे ये तो नकली बंदूक लग रही है, ये तो नकली बंदूक है। आखिर ये मेरा मोबाइल छोड़कर सिर्फ पैसे लेकर ही क्यों गया? इस लड़के को मैंने कहीं तो देखा है, लेकिन कहां? जी साहब, आपने बुलाया? हाँ सुहेल, गाड़ी में सामान रखा, उसे अंदर ले जाकर रख दो। जी बिल्कुल, मैं अभी रखता हूँ। यार इसको मैंने पहले कभी नहीं देखा, कोई नया नौकर रखा है क्या? अरे नहीं यार, ये ड्राइवर है मेरा, घर के छोटे मोटे काम भी कर देता है, अभी 10-15 दिन ही हुए हैं सिर्फ। चलो अच्छी बात है यार। हेलो। हेलो। हाँ भाई फिरोज, कैसे हो तुम? अरे मैं तो ठीक हूँ यार, तुमने जो ड्राइवर रखा था वो कहाँ है? भाई मैंने तो उसे 2-3 महीने पहले ही निकाल दिया है। क्या है ना, मेरे पास 2 ड्राइवर थे। अरे यार एक छोटा सा मसला हो गया है, मैं तेरे को वहीं आके बताता हूँ। भाई आप आ जाओ, मैं घर पे ही हूँ। हाँ भाई मैं तेरे घर ही आ रहा हूँ, बस अब भी आ रहा हूँ मैं। ये क्या घटिया हरकत की है उसने, आपको कन्फर्म है ना कि वहीं था? यार मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, इसीलिए तो मैंने तुमसे पूछा था कि ड्राइवर कहाँ है। शुक्र है मैंने उसे वक्त रहते यहाँ से निकाल दिया था, वरना वो मेरे घर में भी चोरी कर सकता था। बस यार मुझे हैरानी इस बात की है कि वो मेरा लाखों का मोबाइल छोड़कर सिर्फ वॉलेट लेकर गया जिसमें चंद पैसे थे। वैसे वो कुछ भी लेकर गया, लेकिन की उसने डकैती ही ना, घर देखा है मैंने उसका, उसके हलक में ना हाथ डालकर पैसे निकाल लेंगे। आप चलो मेरे साथ। भाई सुहेल का पता है कि आपको वो कहाँ मिलेगा? नहीं भाई मुझे नहीं पता। तो क्या घर पे नहीं मिलता वो? अरे कहाँ मिलता है भाई, जब भी उसके घर जाओ तो बच्चों को आगे करके वो छुप जाता है। वो मनुष्य अगर आपको देखे तो मुझे भी पकड़ कर देना। राशन उधार लेके गया था, अभी तक पैसे दिए नहीं उसने। चलिए ठीक है भाई, उसने हमारी भी चोरी की है, यदि वो मिलता है तो आपकी भी रिकवरी कराते हैं। जी ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। गैरत इंसान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू ऐसा करेगा, तू डकैत निकलेगा। नहीं नहीं साहब, मैं डकैत नहीं हूँ। बेगैरत कहीं के मुंह पे झूठ बोल रहा है, मेरे दोस्त से गन पॉइंट में पैसे छीने हैं तूने। एक मिनट अतुल, मुझे पता चल गया था कि तू नकली बंदूक से मुझे लूट रहा है, मगर मैंने तुम्हें फिर भी पैसे दे दिए। बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? साहब अगर मैं ये सब ना करता तो मेरे बच्चे भूख से मर जाते। ये क्या कह रहा है तू, अपनी चोरी छुपाने के लिए बच्चों का सहारा ले रहा है? साहब आपने तो मुझे काम से निकाल दिया कि मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। हालात ऐसे आ गए थे कि जेब में 1 रुपए नहीं था और बच्चे रोटी रोटी कह के तड़प रहे थे। मगर वो दुकानदार कह तो रहा था कि तुमने सामान उठाया है, वो भी उधार। पर वो तो 2 महीने पहले की बात है साहब, पैसे न होने की वजह से उससे भी भागा भागा फिर रहा हूँ। अब तो मुझे कोई उधार भी नहीं देता, आप बताइए इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं बेरोजगार हूँ और मेरे बच्चों को भी भूख लगती है। तुम सही कह रहे हो, इसमें कसूर मेरा है। मैं फिजूल में तो 1000 रुपए उड़ा देता हूँ, लेकिन 6000 की तनख्वाह के लिए मैंने तुझको काम से निकाल दिया। अब आप ही बताइए ना साहब कि जब बच्चे भूख भूख करके चिल्ला रहे हो तो बंदा चोरी ना करे तो क्या करे? आज 1 हफ्ते के बाद मेरे बच्चों को पेट भर खाना नसीब हुआ है, पर फिर भी मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं भाई, शर्मिंदा तुम्हें नहीं, शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए कि हम एक गरीब को इस नौबत तक ले आते हैं कि महंगाई के इस दौर में उसे ये सब करना पड़े। अब हर महीने राशन मैं तुम्हें पहुंचाया करूंगा।
अब कल से तुम काम पे आ जाना, मैं तुम्हें 15,000 रुपए दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।